मेरे प्यारे दोस्तों, आप एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको कराए जा रहे हैं। दोस्तों, हम आप फास्ट रिवीजन चला है, इसमें आप चीज़ आपको फास्ट करा रहे हैं। तो भाई हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, स्टूडेंट आपका कंसंट्रेशन बना रहे। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित दोस्तों? पंकज आडवाणी की बात करते हो, बिलियार्ड खेलते हैं पंकज आडवाणी जी, ठीक है। और राष्ट्रगान गाने की अवधि आपकी 52 सेकंड है। राष्ट्रपति को शपथ आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, NCERT की स्थापना आपकी 1961 में की गई थी और RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता आपकी 3 महीना तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, RBI के फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सिंबल होता है CA होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है बच्चा। पहला कृत्रिम उपग्रह आपका था स्पुतनिक फर्स्ट। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत या लीवर का अंग है, ठीक है। पीलिया बेसिकली आपका यकृत या लीवर में होता है। और पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार दोस्तों जो सूर्य भगवान हैं उनका जो रथ है वो 7 घोड़ों का है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को हम लोग कहते हैं। अगर दोस्तों हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो स्थलीय सीमा है, जो सीमा की लंबाई जो कि आपकी 1751 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर, नेपाल की बाउंड्री 5 राज्यों से कनेक्ट होती है। 5 राज्य होकर आप नेपाल जा सकते हैं और वो राज्य दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों RBI का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और रिपब्लिक पुस्तक आपकी प्लेटो ने लिखी थी पुस्तक, ठीक है, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसान एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपकी रंगून में हुई थी। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आपकी वही मंडल के नाम से विदित है। और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई आपकी बेसिकली होती है 2:6 होती है, और रेल पथ के मीटर गेज की जो चौड़ाई आपकी 1 मीटर होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि होती है वो आपकी 9 वर्ष की होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय थे आपके नगेंद्र सिंह थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका जो द हेग में स्थित है, द हेग नीदरलैंड के द हेग, वहाँ पर स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यहाँ पर 9 साल के लिए न्यायाधीश बनते हैं, 9 साल अवधि होती है न्यायाधीश की, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म आपका 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पेनाल्टी कॉर्नर आपका हॉकी से संबंधित है, हॉकी में दिया जाता है पेनाल्टी कॉर्नर, हॉकी में होता है पेनाल्टी कॉर्नर, ठीक है भाई। और प्रथम एशियाई खेल कब और आपका कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों, अगर प्रथम एशियाई खेल की बात करें तो आपका मई 1951 में आयोजित हुआ, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था और लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक यानी PNBL लिटिल अमेरिका नामक स्थान ये आपका अंटार्कटिका पर स्थित है। अमीबा में कुल कितने कोशिका होती है? तो अमीबा में टोटल 1 कोशिका होती है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी और प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला था, यानी 4 साल आपका पहला विश्व युद्ध चला था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों, मैं जो पहला हृदय प्रत्यारोपण आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका है, इन्होंने किया था, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन। अगला क्वेश्चन साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। यूनेस्को आपका जो विश्व धरोहर सूचियों को रख रखाव करता है, जैसे जो आपका आगरा का किला है, आप जितने भी दोस्तों यूनेस्को आपकी साइट है, 40+ साइट अभी भारत में है, उनका सबका रख रखाव यूनेस्को करता है, ठीक है। और ठीक है सब। अगला क्वेश्चन आपका, यूरो
मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ, तो यूरो जो मुद्रा है इसका प्रचलन आपका 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा आपकी चालू हुई थी। ठीक है, जय हिंद का नारा आपका, जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आपका दिया था। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बार NTPC में पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में स्थित है। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया था, तो कॉर्निया का दान दिया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया भाग हम देते हैं, डोनेट करते हैं लोगों को, राजस्थान में खेते जो। ये आपका दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग जी आपका हर एग्जाम में आप पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपका यूपी पैट हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, बच्चा हर एग्जाम में पूछा गया। आपने देखा होगा राजस्थान में जो खेतरी है ये आपकी तांबे की खान है, ठीक है, इसका नाम खेतरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपके 6 साल के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो आपके 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हाइड्रोजन बम आपका नाभिक के संलयन पर आधारित है, ठीक है, नाभिक के संलयन प्रक्रिया द्वारा आपका हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न आपका कोलकाता में मनाया था। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चा, कर्क रेखा हम कहते हैं दोस्तों, बेसिकली आपकी 3 प्रकार की रेखाएं होती है, कर्क रेखा होती है, फिर नीचे आती है विषुवत रेखा होती है, फिर आपकी आती है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री बेसिकली जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और जी आपका कर्क रेखा जो साथी हूँ बीच में आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। 8 राज्य बच्चा वो है आपके गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रैक भी है जो कि आपको याद रखना है, मीट पर गमछा झराए। बच्चा ट्रैक याद करो, बाकी मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, ये 8 हैं और मीट पर गमछा झराए ट्रैक होती है, इससे हम 8 राज्य याद कर लेते हैं किन 8 राज्यों से कर्क होकर निकलती है। कर्क रेखा बेसिकली बीचों बीच से निकलती है, भारत के नक्शों में आपने देखा होगा बीचों बीच से निकलती है, गुजरात होते हुए कर्क रेखा निकलती है। इसका ट्रैक है मीट पर गमछा झराए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल में सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, इसका N2 सिंबल होता है। पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा जी हैं और पंजाब केसरी आपकी लाल लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, पंजाब केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव होता है, अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। ठीक है, सार्क या दच्छे का मुख्यालय आपका दोस्तों काठमांडू में, नेपाल में एक जगह काठमांडू है वहाँ पर है और नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है, यहाँ पर आपका सार्क का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है आपको सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म है, सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चा। सार्क यानी कि एस फॉर होता है साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 19-2002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो आपको कैनरा बैंक की शाखा को दिया गया ये वाला प्रमाण पत्र। ठीक है, पागल कुत्ते को काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, जब पागल कुत्ता काट लेता है दोस्तों रेबीज आपको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो सकती है। पुस्तक बार एंड पीस, लेखक जो जो पुस्तक है जिसका नाम है बार एंड पीस, इसके लेखक आपके दोस्तों लियो टॉलस्टॉय हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, जो कि 7 सिस्टर में आता है आपका पूर्वोत्तर राज्य में। और दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक आखिरी पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों किबिरथू। किबिरथू जो कि आपका पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में किबिरथू है और पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश ही है। और दोस्तों 7 सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों, एग्जाम में बोलेगा पूर्वोत्तर राज्य कितने होते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य आपके 8 होते हैं और 7 सेक्टर आपकी 7 होती है, यानी 7 स्टेट होते हैं। ठीक है बच्चा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिए दोस्तों रिपब्लिक डे से एक दिन पहले आपका हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है और उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस। रूबल आपकी रूस की मुद्रा है। और अगला क्वेश्चन, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर हम रूस में जो साइबेरिया जगह बोलेंगे, जो साइबेरिया जगह है ये आपकी यहाँ की दोस्तों जो जलवायु बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, इसलिए दोस्तों आपका रूस में साइबेरिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अंतिम मुगल सम्राट आपके थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इन्हें रंगून भेज दिया, इनकी रंगून में मृत्यु हो गई थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपकी औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की गुफाएं और ये आपकी औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह आपका शुक्र है और पृथ्वी के
एक डिग्री देशांतर घूमने में आपका 4 मिनट का पृथ्वी को समय लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में स्थित है, बड़ौदा आपका गुजरात में आता है। ठीक है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ आपका शहतूत की पत्ती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपकी महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? अगर इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें, इंटरनेशनल वुमेन डे आपका हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पेनाल्टी किक ये आपकी फुटबॉल में होती है। और पेलाग्रा रोग आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, जो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण ऐसा ये रोग होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा को नहीं लिया तो साथियों विज्ञान चालीसा को ले सकते हो, कि वन ऑफ द बेस्ट ईबुक आप लोगों के लिए साबित होगी। दोस्तों ग्रुप डी फेज वन में दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन सीएससी विज्ञान चालीसा से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान चालीसा में रखे गए हैं। और साथियों यहाँ पर आपके टीचर्स के जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, टीचर्स बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन रखे गए इस विज्ञान चालीसा में। और साथियों एनसीईआरटी के 9th-10th क्वेश्चन बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। और साथियों इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार 10 साल से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक जगह पर आपको पूरी जानकारी यहां पर दी जा रही है। यहां पर टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे गए जो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, जो कि दोस्तों चैप्टर वाइज बनलाइनर फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज में हमें दोस्तों चैप्टर वाइज और बनलाइनर है दोस्तों। मार्केट में कहीं आपको ये वाली इस टाइप की बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, और बनलाइनर फॉर्मेट में दोस्तों हमें याद करने में आसानी होती है। साथियों ये जो विज्ञान चालीसा है जो आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, आखिरी समय में दोस्तों ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जो कि आपका साइंस में अच्छा खासा स्कोर करवा देगी। ठीक है, और दोस्तों ऑफर चल रहा है, ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर केवल और केवल 500 बच्चों के लिए ऑफर है, जिसमें दोस्तों आपको 99 रुपये में विज्ञान चालीसा कंप्लीट दी जा रही है। तो आपको कूपन कोड प्रयोग करना है TOP500। जैसे दोस्तों आप TOP500 कूपन कोड प्रयोग करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कूपन कोड साथियों एक बात याद बताना चाहता हूँ, एक कूपन कोड केवल और केवल 500 बच्चों के लिए उपलब्ध है। जैसे दोस्तों 501 में बच्चा होगा फिर कूपन कोड काम नहीं करेगा। दोस्तों डाउनलोड के आज ही देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आप लोगों के लिए रहेगी। दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र है जो आपकी आपका साइंस की दोस्तों साइंस में दोस्तों आखिरी किरण है। ठीक है, जो कि आपको साइंस में अच्छा स्कोर करवा देगी। साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि देखिए मैथ रीजनिंग और साइंस ही आपको अच्छा खासा स्कोर करवाएगी, और 65 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो बच्चा आपको साइंस में अच्छा खासा स्कोर करना होगा तभी आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों विज्ञान चालीसा जो आपकी जर्नी को आसान कर देगा, साइंस में आपको 18 से 20 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, विज्ञान चालीसा को लीजिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपके लिए आपको देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर साथियों आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है, यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट दिया जाता है, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, और ई बुक्स वगैरह भी दी जाती है, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, और डेली कोजेज आपको यहाँ पर दी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोज डली हुई हैं, और PDF नोट्स वगैरह आपको यहाँ दी जाती है। क्लास की जितनी भी PDFs होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलती है। दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको बेहतर बेस्ट डील जो आप लोगों के लिए रहेगी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, यकीन मानिए ये आपका साइंस में अच्छा खासा स्कोर करवा देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता आपके देविका रानी जी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में स्टार्ट हुई थी। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है, इसको हम डी से डिनोट बच्चा करते हैं डायोप्टर। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में दोस्तों आयोजित दरबार में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। अमेरिका की खोज आपकी 1492 में हुई थी, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने 1867 में रसिया से अलास्का खरीदा था। ठीक है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना दोस्तों की थी, ये आपका श्यामा लाल
गुप्त जो कि पासन ने, श्यामलाल गुप्त पासन ने इसकी रचना की थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए, ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये आपका जो प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। उन्होंने कहा था कि सरकार जनता की, सरकार जनता की होती, जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए सरकार होती है, ये बात अब्राहम लिंकन जी ने कही थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है, और योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में आपके हर बच्चे जानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दिल्ली चलो का नारा आपका दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, दिल्ली चलो। दीन एलाई धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था दोस्तों, दीन एलाई धर्म है जो कि बहुत ही पिछले धर्म था, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। अकबर आपका मुगल वंश का शासक था दोस्तों। अगर अकबर की बात करें दोस्तों, अकबर अभी तक का सबसे पावरफुल शासक कहलाया था, और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड शासक, जो कि अनपढ़ था, और सबसे शक्तिशाली शासक भी अकबर ही कहलाया है, क्योंकि दोस्तों ये सारे धर्म को लेकर चलता है अकबर। ठीक है, NEFT का दोस्तों पूरा नाम क्या है दोस्तों, अगर NEFT की बात करें तो N फॉर होता है दोस्तों नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और F फॉर फंड्स, और टी फॉर ट्रेन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म NEFT का होता है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता आपका उपराष्ट्रपति करता है। 50-26 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, 50-56 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, पहला हुआ था जो कि दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। 50-56 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, दूसरा वाला जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और इसके तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, तो ये पानीपत में हुए थे, जो कि हरियाणा में आपका पानीपत आता है। हरियाणा के दोस्तों CM की बात करें तो हरियाणा के दोस्तों CM आपके मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। और ठीक है भाई, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 में हुई थी, जो कि विलियम जोन्स ने की थी। अल्तस्वी पैरेलल किन दो देशों को बांटती, जो अल्तस्वी जो पैरेलल है ये आपकी उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी संशोधन हुए थे जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो इसमें आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाग्यंश से है, तो पंडित रविशंकर जी आपके सितार बाजाते हैं, सितार बजाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों, हम राष्ट्रपति की बात करें बच्चा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, ये बात आपका खैर हट गया है। अब पहले था दोस्तों राष्ट्रपति के पावर थे कि दो राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, दो एंग्लो इंडिया समुदाय के लोग थे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब नहीं दोस्तों, हम आर्टिकल आया है अभी बीच में, अभी कुछ टाइम पहले संशोधन हुआ है, और उसके तहत दोस्तों हम अब राष्ट्रपति के हाथ में केवल राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करने की पावर है। अब दोस्तों हम पहले थे आपके 552 सदस्य हाईएस्ट हो सकते थे, MP हो सकते थे, अब आपके दोस्तों 550 होंगे। ठीक है, मतलब दो एंग्लो इंडिया समुदाय के जो लोग थे उनको हटा दिया गया है, अभी संशोधन हुआ है जिसके तहत हटा दिया गया दो एंग्लो इंडिया समुदाय के लोगों को। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका दोस्तों पेरिस में फ्रांस में आपका स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल। और पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है दोस्तों, अगर पानी की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है, बच्चा जानता है H2 यानी कि वाटर का सूत्र होता है H2O। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका मालेगांव में है, मालेगांव में दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, मालेगांव आपका महाराष्ट्र में आता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है दोस्तों, पृथ्वी होती है जो अपनी धुरी पर या 30.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है बच्चा, ओके मेरे भाई, और 23.5 डिग्री धुरी पर के कोण पर 23.5 डिग्री कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है, और यहाँ से बीच से आपकी कर्क रेखा निकलती है बच्चा। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, और रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लागू हुआ था। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सेंचुरी मार दी है। ठीक है, आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत हमने मेहनत की जब आपके लिए कंटेंट आ पाए। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा कैसा आपको लगा, अच्छा कमेंट लगाओ तो अच्छा कमेंट करो, बेकार लगाओ तो बेकार कमेंट कर, सूरत यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, सूरत में आपके लिए ऐसी चीज़ें कंटेंट
बनाता रहूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए, सूरत फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। साथ ही दोस्तों गुरुकुल प्लस की जो ऑफिशियल ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप, उसी को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको सारी PDF हुई, ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर 8851529691 यहाँ पर भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई PDF वगैरह कुछ भी चाहिए आप अपना नाम दे दीजिएगा, अपना नाम लिख के आप मैसेज कीजिएगा, सूरत मैं आपको वहाँ पर PDF भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।